Hello and welcome, this is Syed Nasser Ali with a quick lecture of HTML5. आज के लेक्चर में मैं आपको HTML5 के एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। HTML5 का ये फीचर यूज करके आप अपने वेब पेज या वेबसाइट की किसी भी एलिमेंट को एडिटेबल बना सकते हो। सिंपली आपने क्या करना होता है, जिस एलिमेंट को आप एडिटेबल बनाना चाहते हो उसके साथ आपने ये एट्रीब्यूट यूज करना होता है। तो ये एट्रीब्यूट कौन सा है और हम कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। HTML के इस डॉक्यूमेंट में मैं एक हेडिंग ऐड करता हूँ H1 और रेंडमली यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ। लेट सपोज यहाँ मैं टाइप करता हूँ दिस इज एडिटेबल टेक्स्ट। दूसरा हेडिंग ऐड करता हूं दिस टेक्स्ट इज नॉट एडिटेबल। अब मैं जिस एलिमेंट को एडिटेबल बनाना चाहता हूं उसके साथ मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा। एट्रीब्यूट क्या है, कंटेंट एडिटेबल, और वैल्यू दूंगा इसको ट्रू। तो अब आपकी वेब पेज या वेबसाइट पे जो पहला हेडिंग है वो एडिटेबल है जबकि जो दूसरा हेडिंग है वो एडिटेबल नहीं है। आप चेक कर सकते हो दिस इज नॉट एडिटेबल, ये एडिट नहीं हो रहा, जबकि जो पहला है दिस इज एडिटेबल टेक्स्ट, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो ये एडिट हो रहा है, दिस इज एडिटेड टेक्स्ट। तो इस तरह आप HTML5 का ये स्पेशल फीचर यूज कर सकते हो।